हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सचमन चैनल सचमन। सबका एक बहुत बड़ा सा वेलकम। आज मैं एक ऐसा कोई प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि इन दिनों कुछ बहुत ही हाइप पे है। एक फाउंडेशन का रिव्यू है, काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसको रिव्यू किया है, मैंने भी इसको एक ट्राई दिया है एंड आज मैं इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। वो प्रोडक्ट मुझे कैसा लगा कैसा नहीं लगा उसका बारे में मैं डिटेल जो ऑनेस्ट रिव्यू है जो कि बिल्कुल एक अनपेड रिव्यू है मेरे को, वो ब्रांड ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, मैं अपने तरफ से उसको मैं रिव्यू करूँगी। तो चलिए उस प्रोडक्ट को दिखाते हैं और आज का जो ये वीडियो है वो शुरू करते हैं। वो प्रोडक्ट इज़ नन अदर देन ममाअर्थ का जो न्यूली लॉन्च उन्होंने जो फाउंडेशन लॉन्च किया है उसका रेंज है, उसका बारे में आज का वीडियो है। उन्होंने कुछ 8 शेड में इंडियन स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए 8 शेड्स लॉन्च किए हैं, फ्रॉम वेरी फेयर टू वेरी डस्की स्किन तक। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे मैं बाकी जो भी शेड्स हैं मैं दिखा दूँगी। मैंने फ़िलहाल एक ही मंगवाया है एज पर माई स्किन टोन, जो कि उनका शेड नंबर 3 है 03 विच इज़ न्यूड ग्लो। ओके, फ्रॉम इनका 7 शेड्स होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो फेयर होते हैं, बहुत ही गोरे गोरा जो स्किन होता है उनके लिए आई थिंक आइवरी ग्लो, तो जो लोग डस्की है लास्ट जो शेड है वो है टॉफी ग्लो। तो इस तरीके से 7 शेड्स उन्होंने लॉन्च किया है। मेरा स्किन टोन के साथ जो मैच करता है वो है न्यूड ग्लो 03। यू कैन चेक द नंबर, नहीं भी हो तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो अप कर दूँगी। सो ऐसा कुछ कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है एंड ये 30ml का प्रोडक्ट है, फाउंडेशन है तो 30ml का प्रोडक्ट है और इसका प्राइस उन्होंने रखा है 599, जो कि मुझे ठीक ठाक लगा एज पर फाउंडेशन, ठीक ठाक लगा। 600 रुपये का एक फाउंडेशन है विच इज़ ओके एंड ममाअर्थ एज यू नो इज़ ए वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली ब्रांड है जो बहुत ही अच्छा है। मेरा भी एक बहुत ही फेवरेट एक ब्रांड है जिसका फेस वॉश, जो विटामिन सी का फेस वॉश मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, काफ़ी सालों से यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एनीवेज, कमिंग टू टुडेज प्रोडक्ट, ये एक फाउंडेशन ग्लो सीरम फाउंडेशन है। ये एक सीरम फाउंडेशन है, ये सीरम वाला फाउंडेशन है, नॉट दैट अपना जो क्रीमी और समथिंग पाउडरी टाइप वैसा नहीं है, सीरम वाला फाउंडेशन है और इसमें विटामिन सी एंड टर्मेरिक है। इसमें विटामिन सी और टर्मेरिक दिया हुआ है विच इज़ अगेन वेरी गुड फॉर आवर स्किन, राइट। तो मैंने भी सोचा कुछ ऐसा अगर फाउंडेशन में कुछ है तो क्यों ना उसको ट्राई किया जाए, तो मैंने भी उसको एक ट्राई दिया। क्लेम करते हैं विटामिन सी हेल्प्स टू ब्राइटन स्किन, टर्मेरिक प्रोवाइड्स एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। ये क्लेम करते हैं जो इसके अंदर जो विटामिन सी है ये हमारे जो स्किन को ब्राइटन अप करेगा एंड टर्मेरिक हमारा स्किन को प्रोटेक्शन करेगा विच इज़ द एंटी ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट। तो फाउंडेशन का काम ही होता है ना इंस्टेंट ब्राइटन अप करना, तो ठीक है चलो विटामिन सी भी है साथ में तो दोनों का एक साथ में प्लस पॉइंट हो गया। तो इसको खोलने के बाद कैसा प्रोडक्ट है कैसा क्या है दिखाती हूँ मैं। ऐसा कुछ पैकेजिंग में यहाँ पे ये सब स्पॉन्ज वगैरह कवर के लिए दिया हुआ है विच इज़ गुड थिंग, आई लाइक इट। और ऐसा बॉटल है, दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट। ग्लास बॉटल में है जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फाउंडेशन वगैरह तो ग्लास बॉटल में आते हैं पर इसका मैट फिनिश ग्लास है विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वेरी क्लासी, वेरी स्लीकी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी मतलब गेटअप बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। तो इसको ऐसे खोलने के बाद ऐसा कुछ इसका स्ट्रो आता है या बोलो ब्रश आता है या कुछ भी बोलो स्टिक आता है। तो इस ये मेरा शेड है, अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। स्मेल बहुत अच्छा है, फाउंडेशन का जो स्मेल होता है वैसा ही कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा वैसा नहीं है, स्मेल बहुत ही बढ़िया है, जो नॉर्मल फाउंडेशन का जो होता है वैसा ही है स्मेल। ये रहा, अब ये
क्योंकि ये एक सीरम फाउंडेशन है तो आसानी से तो ग्लाइड करेगा ही स्किन पे, क्योंकि इसके अंदर सीरम है और सीरम का काम ही होता है इजीली स्किन पे ग्लाइड ऑन करना। तो ये बहुत इजीली ये ग्लाइड कर रहा है एंड मेरे जो स्किन टोन है इसके साथ ये मैच भी कर रहा है, एकदम नेचुरल सा टोन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। फाउंडेशन लगाने के बाद जो ऐसा लगता है ना बहुत हाई सा कुछ सफ़ेद जैसा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सटल सा, बहुत ही यू नो बहुत ही एकदम नेचुरल सा। एवरीवेयर मेकअप आप कर सकते हो इसको आसानी से। हाँ, फुल कवरेज तो नहीं देता है बट हाँ वेरी हाई मीडियम कवरेज ये देता है। आप चाहे तो पार्टी में इसको दो टोन दो बार अप्लाई कर लो, जब आप पार्टी में जाओगे तब आप इसको दो बार अप्लाई कर लो। ये जैसे मैं इसको एज ए कंसीलर भी यूज़ कर लेती हूँ, हाँ, तो दो बार अप्लाई करने से पार्टी वेयर का मेकअप आपका डन हो जाएगा। एंड अगर आप डेली ऑफिस वेयर या रेगुलर नॉर्मल बेसिस पे आप यूज़ करना चाहते हो तो वन टाइम इज़ काफ़ी। एंड देखिए, अच्छा फाउंडेशन इज़ गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे। मेरे को ऐसा ही कुछ लाइट सेटल डाउन सा कुछ चाहिए था, जो कि ज़्यादा हाई ज़्यादा सफ़ेदी वाला चमकार वाला फाउंडेशन मुझे नहीं चाहिए था, मेरे को ऐसा ही सिंपल सा एक सेटल डाउन फाउंडेशन चाहिए था जो कि मुझे मिला। एंड ऑब्वियसली इट्स फ्रॉम मामा तो एक ट्रस्ट वाला बात हो गया ना, तो प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, तो बहुत ही एक अच्छा चीज़ मामाअर्थ ने लॉन्च किया है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप डेफिनेटली आपका शेड के अनुसार, मैं स्क्रीन पे सारे जो शेड कार्ड्स हैं मैं दिखा दूँगी, आप अपने शेड के अनुसार अपना जो फाउंडेशन है उसको चूज़ करिए एंड अप्लाई करिए। गो एंड गो फॉर द पार्टी और नॉर्मल एनीथिंग जो भी आप चाहे। तो आज का बस ये इसी का रिव्यू मुझे आप लोग के साथ भी शेयर करना था। ये मामाअर्थ ने जो फाउंडेशन लॉन्च किया बहुत ही बढ़िया एक फाउंडेशन है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई करिए। तो बस आज का ये एक छोटा सा वीडियो था मामाअर्थ के फाउंडेशन जो नया उन्होंने लॉन्च किया उसके ऊपर, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आज का वीडियो। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और उसके पास जो घंटी है उसे प्लीज़ टैप ऑन करिएगा। और मैं लौटूंगी आपके साथ एक कोई नया वीडियो, टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।